गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैंक IQ। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 4 मई है और आज हमारे टेबल के ऊपर वैसे तो चार आर्टिकल्स हैं, लेकिन चार में से सिर्फ दो ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक GST के ऊपर हैं और दूसरा जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर है। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए, आज एक आर्टिकल हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट ने लिखा है, आर के राघवन साहब ने लिखा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आई बिलीव इससे आपका जो BRI का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। GST के साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें पढ़ने को मिली, और अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते हैं तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है वो आपको बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड साबित होने वाला है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस GST कलेक्शन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है DFNA को फॉलो ना करते हो, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस GST बोयांसी। अप्रैल 2019 का जो GST का कलेक्शन रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन रहा है, इट हैज़ यू कैन से ब्रीच्ड ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड अमाउंट है, 1,13,865 करोड़ रुपीज इन अप्रैल 2019। GST को हमने लॉन्च किया था 1 जुलाई 2017 में, और तब से लेकर आज तक एक महीने का कलेक्शन इतना ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मार्च 2019 का जो कलेक्शन है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। पर मंथ का कुछ 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ इतना कुछ कलेक्शन हुआ था, और ये अप्रैल का जो है वो उससे भी ज़्यादा है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स, नो डाउट। अब एक चीज़ है कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि धीरे धीरे करके जो GST है वो हायर प्लेन में एंटर हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि कलेक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ राइट एज़ वेल। अगर हम ओवरऑल 2017-18 का जो कलेक्शन है, 18-19 की एवरेज देखिए, 98,114 करोड़ रुपीज़ ये एवरेज रही है। ओवरऑल जो एक टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था उसको हम मिस कर गए, उसके पीछे रीजंस क्या है वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले का जो साल है उसके आंकड़ों को अगर आप देखें, देन यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीमेंटली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे राइज हो रहा है। सो दैट्स नॉट बैड। और यहाँ पर 1 लाख करोड़ जो है इसका, अगर इतना कलेक्शन होता है हर पर मंथ, तो यू कैन इमेजिन एक साल में 12 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो रेवेन्यू के तौर पर गवर्नमेंट के पास आएंगे, और ये एक बहुत बड़ी राशि है। ऑफ कोर्स ये जो 1,13,865 करोड़ जो हैं ये 10% हायर हैं कंपेयर टू सेम मंथ ए ईयर, और जो ये जो कलेक्शन है तो एवरेज अगर हम निकालें 98,114 करोड़ की, तो उससे 15% ज़्यादा भी हैं, विच इज़ ए गुड न्यूज़। To be clear, GST revenues have crossed the 1 lakh crore mark in March, January and October as well. तो ये कुछ महीने ऐसे रहे हैं जब GST collection 1 lakh crore रुपए से ज़्यादा हुआ है। That's again, as I told you, it's a good news. Now, ये slowdown जो हमें देखने को मिला था GST collection में, उसके पीछे reason क्या है? उसके पीछे first reason is कि जो consumption growth है, consumption यानी कि जो चीज़ें हम खरीदते हैं मार्केट में से, तो ओवरऑल अगर ग्राहक जो हैं वो कम चीज़ें खरीदेंगे, अगर पैसे वो बचा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, तो चीज़ें कम वो खरीदेंगे तो कम चीज़ें प्रोड्यूस होगी, और GST जो है वो कंज्यूमर के ऊपर लगता है। तो अगर लोग कम चीज़ें खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली GST जो हैं वो कम, मीन्स गवर्नमेंट के पास कम राशि आएगी, इज़ इट। सेकेंड वन इज़ ए टेपिड इंक्रीज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हैं उसमें भी जो एक राइज जो है वो बहुत ही स्लो रहा है, इतना ज़्यादा हाई नहीं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जनरली हम नई फैक्ट्रीज, नए बिजनेसेस, इन सारी चीज़ों को आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए जनरली होते हैं। और म्यूटेड एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। कल हम डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में जब इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी मैनेजेबल रहा, वो भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुए और इम्पोर्ट्स कम, इम्पोर्ट्स भी कम हुए, क्योंकि बहुत सारी
हमारी फैक्ट्रीज, आज हमारे देश की सिचुएशन ये है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में बनते हैं और उनके लिए ये फिनिश्ड गुड हैं, लेकिन हमारी कंपनीज़ के लिए ये रॉ मटेरियल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, उसके ऊपर प्रोसेस होती है और फिर बाद में हम या तो हमारी मार्केट में या फिर दुनिया के दूसरे देशों में इसको बेचते हैं। तो इम्पोर्ट्स कम हुए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका प्रोडक्शन भी कम हुआ, और कई बार ऐसा भी होता है कि इसका रिलेशनशिप, इसका जो एक इम्पैक्ट है वो हमें एक्सपोर्ट के ऊपर भी देखने को मिलता है। एनीवे तो CAD भी कम हुआ बिकॉज इम्पोर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हुए थे, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये सिनारियो इतना अच्छा नहीं है। ये जो अप्रैल का कलेक्शन हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन, एज अ सॉर्ट ऑफ यू नो कि आई थिंक आई हैव गॉट दिस वर्ड इन वोकेबुलरी, तो इसका मीनिंग आप ढूंढ लीजिएगा, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो एक अच्छा GST का कलेक्शन हुआ है मार्च में और अप्रैल में, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो 2019-20 जो है इसमें ग्रोथ जो है ये बेटर हो, और ग्रोथ रेट जो है इसमें भी एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला है। उसके पीछे रीजंस जो हैं वो सारे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, 8.2% था उससे 7.6, अब 6.6, ये क्वार्टर्स की बात है, ओवरऑल जो पूरे साल की बात नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि फाइनल क्वार्टर जो है उसमें आंकड़ा थोड़ा अप हो सकता है, और अगर GST कलेक्शन 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता रहा तो फिर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट जैसी सिचुएशन जो है उसको हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। और ये जो इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है उसके पीछे रीज़न एक ये भी है कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने बहुत ही एग्रेसिवली मेक श्योर किया है कि बिजनेसेस जो हैं वो GST को फॉलो करें, इसको अडॉप्ट करें, और अब चाहिए टैक्स जो टैक्स रेट कट्स हैं उसकी वजह से भी एक रीज़न है कि बहुत सारी आइटम्स जो हैं उसको हायर स्लैब में से लोअर स्लैब में लिया गया था बाय GST काउंसिल, तो जब टैक्स कम होता है या फिर पैसे ओवरऑल जो प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है GST के गुड कलेक्शन का। कई बार नहीं, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को ये भी मिलती है कि जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होने वाला होता है तब बिजनेसेस अपनी बुक्स को भी क्लोज डाउन करते हैं, तो इस वजह ये भी एक रीज़न हो सकता है इतना ज़्यादा कलेक्शन हुआ है उसके पीछे। अब ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है हर महीने, नहीं इतनी एवरेज निकलती है नहीं, वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। और लास्ट में बॉटम लाइन आई वुड से कि और ज़्यादा रिफाइनमेंट जो है इसकी आवश्यकता है, GST को और ज़्यादा सिंपल बनाना होगा, और छोटे बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस जो है ये बर्डन नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट इट शुड बी ए सॉर्ट ऑफ आई वुड से ए सॉर्ट ऑफ जॉय फॉर देम, यू नो वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम के कंप्लायंस जो है वो बर्डन के तौर पर उनको लगे ही नहीं। अगर ये हो सकता है तो देन वी कैन अचीव यू नो देन small businesses as well will be more than happy to join the GST regime. So, chaliye, moving on to next last item of the day. As far as articles are concerned, it is about Dragon. It is about GS. Ab beg your pardon, BR. GST ab chala gaya. Ab we are in second item, Belt and Road Initiative. 27th April ko Beijing mein बेल्ट एंड रोड फोरम हुई, ये दिस वॉज द सेकेंड मीटिंग यू कैन से, एक सेकेंड एक सिम्पोजियम था इस बेल्ट एंड रोड का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको कहा जाता है, BRI, कई बार इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है, तो ये अलग अलग इसके नाम हैं लेकिन सेम चीज़ हैं, BRI या फिर OBOR. It was attended by 37 heads of state or government, जिसको मैंने पहले आपको explain किया था, यहाँ पर Russia, Central Asia, Southeast Asia के जो ये important locations जो हैं, जो जिसमें BRI operations में हैं, तो ये सारे heads और important players जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित थे। जापान ने अपने एक envoy को यहाँ पर भेजा था, and as you can see on your screen, this is the place here, right? This is how they have designed its दिस BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक जो ब्लू लाइन है, दिस वन इज ऑफकोर्स ए वॉटरवे, एंड दिस ऑरेंज वन रिप्रेजेंट्स लैंड रूट।
सिल्क रूट एक हिस्ट्री में सिल्क रूट था। सिल्क जो है इसका इन्वेंशन हुआ चाइना में और दुनिया के खास करके यूरोपियन देशों में सिल्क की काफ़ी डिमांड थी। सिल्क के काफ़ी इसकी मीन्स डिमांड थी। एक हाउ आई वुड से इट वाज इन ट्रेंड, और ट्रेंड में इसलिए था इट वाज इन फैशन बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो जो बहुत ही अमीर लोग थे या फिर जो रॉयल्टी जो थे किंग्स एंड क्वींस एंड एक्सेट्रा, तो यही ये सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाते थे। तो वाया रोड आप सोचिए, सारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वाया रोड यहाँ से फिर रोम तक पहुँचते थे, फिर वाटरवेज से इसकी शुरुआत हुई। तो इट यूज़ टू टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, और रिस्क भी बहुत थे, फिर लुटेरे थे, ये सारी चीज़ों से बचकर फिर एक आपका सिल्क का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ तक पहुँचता था। तो ये है, कई बार इसको सिल्क रूट, मेरीटाइम सिल्क रूट एंड इसको सिल्क रूट के साथ जोड़ा जाता है। एक हिस्टोरिकली जो चाइना का कनेक्शन था उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश है, और ये शी जिनपिंग का एक पेट प्रोजेक्ट भी है। आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका कहना ये है कि फ्रॉम स्टिम्युलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू डेवलपिंग न्यू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, बीआरआई इज डूइंग क्वाइट वेल। कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर पूरा जो रोड है वो चाइना डेवलप कर रहा है, राइट? इन सारे अलग अलग देशों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का, एक बड़े बड़े हाईवेज बना रहा है चाइना। और इसी के साथ ये जो वाटरवेज की बात करें तो अलग अलग जगहों पर पोर्ट्स डेवलप कर रहा है चाइना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड के लिए डेवलप हो रहा है, और इसी के साथ साथ एक ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई चेन भी तैयार हो रही है। चाइना का ये क्लेम है कि इस बीआरआई में 150 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन किया। ये जो सीईओ कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें बहुत सारे देशों के जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, वो यहाँ पर इस फोरम में, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्ट लिया। और कुछ 64 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट्स जो हैं उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं। चाइना भले ही कुछ भी कहे, लेकिन आज भी बीआरआई प्रोजेक्ट जो है उसके साथ बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं, खास करके चिंताएं जुड़ी हुई हैं। ये बताया जाता है कि जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं उसको काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें होगी, आपका कनेक्शन हो जाएगा, सप्लाई चेन के पार्ट बन जाएंगे, आप इतनी चीज़ें चाइना को बेच पाएंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? टेक यू कैन से जो लुभावनी चीज़ें होती हैं शॉर्ट टर्म के, आप जो कहते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो उस प्रकार की एक इमेज क्रिएट की जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में आज भी डिस्कशन इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना तो चाहता है कि ये जो एक बीआरआई है वो एक्सपांड हो, ज़्यादा से ज़्यादा देश उनके साथ जुड़े। एक दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है, लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड हियर एज वी आर डिस्कसिंग दिस बीआरआई। आप सोचिए, यहाँ पर चाइना जो है, आई गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल, राइट? लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, इससे शायद आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेट्स टेक फ्लिपकार्ट, राइट? फ्लिपकार्ट जो है वो क्या करता है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट्स के पास हैं, वो प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं पर नहीं जाना, जस्ट गो ऑनलाइन और ये चीज़ें जो हैं आपके घर तक पहुंच जाएगी। इजन इट, दिस इज वॉट दिस कंपनीज आर डूइंग। यहां पर जो मेन मेंटालिटी है वो ये है, वॉट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। और ये एक आप कह सकते हैं दिस इज हाउ वी बिहेव, एक ह्यूमन नेचर है। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो किताबें, जो चीज़ें अगर कहीं पर कबोर्ड में आपने रखी हैं, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड, तो फिर वो चीज़ आप इग्नोर करेंगे। जो चीज़ें ईजी होगी, ईजीली अवेलेबल होगी, तो उन चीज़ों को आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर चाइना कहीं ना कहीं ये करना चाहता है। बहुत सारे इसके रीजन्स हैं, इसके वाटर सिक्योरिटी भी एक रीज़न है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना डीप हमें जाने की आवश्यकता है। आई गिव यू जस्ट वन ब्रीफ एग्जाम्पल। तो वॉट चाइना इज ट्राइंग टू डू, चाइना जो है अब मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड मास एंड अदर थिंग्स।
तो ये सारे देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक प्रकार की होम डिलीवरी का रास्ता उन्होंने निकाला है। इसी के साथ साथ मिलिट्री वाइज भी चाइना एक्सपांड होना चाहता है, तो यहाँ पर पहले वो धीरे धीरे करके रोड्स बनाएगा, उसके बाद कहेगा कि क्या हम हमारी कुछ टैंक्स और मिलिट्री ट्रक्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पार्क कर दें, इन केस अगर आपको आवश्यकता होगी तो विल बी देयर फॉर यू। तो कहेंगे चलो ये करते हैं, एंड देन यू नो धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश एम्पायर ने भारत के ऊपर किया था, जिसको हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन, तो ऐसे इल्ज़ाम भी चाइना के ऊपर लगते हैं, और ये इल्ज़ाम गलत भी नहीं है। मैं आई एम बींग वेरी अनबायस्ड हियर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ये जो मलेशिया है और दूसरे देश जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स ने इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर चाइना ने सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट कर दी, क्योंकि ओवरऑल जो BRI जो है वो एक शी जिनपिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर BRI की बुराई हो रही है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शी जिनपिंग की बुराई हो रही है, यू कैन टेक इट दैट वे। जो एग्रीमेंट्स हैं ये बायलेटरली होते हैं चाइना और दूसरे देश के, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और जो बेनिफिट्स होते हैं वो लीडरशिप के, गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू पॉपुलेशन। ओवरऑल पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, एक ऐसा इल्ज़ाम है। फिर अगर आपके देश में BRI चल रहा है तो फिर चाइनीज़ कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, चाइनीज़ लोग काम करने के लिए आएंगे, रॉ मटेरियल चाइना से आएगा, प्रोडक्ट्स चाइना से आएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली यू नो अनवायबल हो जाते हैं, और लोन्स जो हैं वो एक डेट ट्रैप के तौर पर हो जाती हैं, कि फिर वो जो देश हैं वो फिर पैसे पे नहीं कर पाता चाइना को, और फिर चाइना एक लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को टेक ओवर लीज़ के ऊपर चीज़ों को रख लेगा, कि भाई इतने सालों तक आप हमें इसको दे दीजिए, तब आपको जो पैसे हमें देने हैं वो इस प्रकार से हम रिकवर करना चाहते हैं। और एग्जाम्पल हैं हम्बनटोटा, 99 ईयर्स के लिए ये पोर्ट जो है वो श्रीलंका से चाइना ने अपने पास रख लिया है। तो चाइना का जो एक सपना है दुनिया के ऊपर राज करना, तो ये एक BRI जो है उसका एक बेस है। चाइनीज़ कल्चर भी इससे स्प्रेड होगा, यू नो दिस इज़ इट्स अ बिग प्लान। और मैं आपको बता दूं, जो पानी के बारे में बता रहा था, इन सारे देशों में यहाँ पर जो बेल्ट हैं, तो ये सारे देशों की जो ज़मीनें हैं वो लीज़ के ऊपर चाइना ले रहा है। यहाँ पर चावल, गेहूं, जो भी चीज़ें हैं वो उन प्रोडक्ट्स को उगा कर वो चाइना में मीन्स भेजे जाते हैं, और बाकी अपना जो पानी है वो खेती बाड़ी के लिए धीरे धीरे करके वो कम यूज़ करने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में पानी की क्राइसिस जो है वो हो सकती है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये प्रॉमिस किया है कि टोटल मेक ओवर इसका किया जाएगा, ये जो भी इल्ज़ाम है ये सारी चीज़ों को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे, बातें तो बड़ी हो सकती हैं लेकिन एक्शन जो है इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। चाइना काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट है इस BRI को लेकर, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना वेट जो है, क्लियरली चाइना इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट और इंडिकेट कि यहाँ पर बॉस कौन है। यूएसए को फिलहाल अगर कोई देश चैलेंज कर सकता है तो दैट इज़ चाइना। भारत ऑफ कोर्स उपस्थित नहीं था, और इसके पीछे मेन जो रीज़न है, भारत BRI को सपोर्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से गुजरता है। मिस्टर शी जिनपिंग ने बहुत सारी मीठी मीठी बातें कही कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाएगा, इकोनॉमी का ध्यान रखा जाएगा, सोसाइटी का ध्यान रखा जाएगा, किसी देश की सॉवरेनिटी जो है, किसी भी देश की जो बॉर्डर्स हैं उनके साथ छेड़खानी और ये सारी चीज़ें नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आती है तब उनका जो एक्शन है दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस 2017 अनाउंसमेंट वॉज दिस डिजिटल सिल्क रोड। तो एक बिग डेटा का उपयोग करके इन सारे देशों को इंटीग्रेट करना चाहते हैं नेट के माध्यम से, बिग डेटा के माध्यम से। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग आई वुड से। इसके बारे में भी कम चीज़ें लिखी गई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़ने को नहीं मिलती हैं, लेकिन यू कैन इमेजिन कि अब तो डिजिटाइजेशन हर जगह पर हो रहा है, तो इट विल क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और नई जॉब्स क्रिएट होगी, नया ग्रोथ क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको
ध्यान में रखते हुए भारत का जो एक अपना खुद का एटीट्यूड है उसके बारे में भारत को थोड़ा बहुत एनालिसिस करना चाहिए। चाइना के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और इसी के साथ एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आइदर BRI को सपोर्ट करना चाहिए, और विरोध अगर कर रहे हैं तो फिर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें विरोध करना चाहिए। तो दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ एडवाइस फ्रॉम दिस RK राघवन साहब हु हैज़ रिटन दिस आर्टिकल। द लास्ट पॉइंट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एडवाइस फ्रॉम हिम। अब बात करते हैं न्यूज़ आइटम्स के बारे में। 8 लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ फानी इज़ बेसिकली हुड ऑफ स्नेक, और हुड जनरली होता है कोबरा का, सो जो फन हम कहते हैं, तो इट्स ए फानी। और पुरी जो एक बहुत ही यू कैन से फेमस जगह है, इट्स ए रिलीजियस डेस्टिनेशन, तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं यहाँ पर चल रही थी, एंड एज यू कैन सी ऑन दिस इन्फोग्राफिक राइट, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक हमें प्रभाव देखने को मिला, और धीरे धीरे वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी तबाही मचा सकता है। यू कैन सी सम इमेजेस हियर। मैं कल जो न्यूज़ आई जो टीवी चैनल है उसमें देख रहा था, तो पेड़ जो हैं वो उखड़कर उड़ रहे थे, तो इट वाज़ वेरी ब्लीक, बहुत ही एक हॉरिड सिनारियो था। एंड देखिए, फिलहाल एक चीज़ हम कर सकते हैं, वी कैन प्रे फॉर द पीपल ऑफ उड़ीसा, फॉर द पीपल हुएवर राइट, जो भी लोग इससे अफेक्टेड हैं या फिर हो सकते हैं, तो वी कैन प्रे। लेकिन जब इसको सेटअप किया जाएगा तब जस्ट लाइक तमिलनाडु, जस्ट लाइक केरला, फंड्स की कलेक्ट किए जाएंगे, तो प्रिपेयर योरसेल्फ, यू नो, अगर आप एक रुपया भी डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर चैरिटी में दे सकते हैं, देन ट्राई इट। और अगर पैसे देना फॉर वट एवर रीज़न, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइज, देन एटलीस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस कैंपेन्स दैट होपफुली विल स्टार्ट इन नियर फ्यूचर। CBI सर्चिंग फॉर एविडेंस ऑन 11 मर्डर्ड गर्ल्स। 11 लड़कियों की हत्या की गई, उनकी जो हड्डियां हैं, उनका जो कंकाल है वो मिला है, तो अब इसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा। और ये जो केस है बिहार का मुजफ्फरपुर का, जिसमें ब्रजेश ठाकुर एक फेमस पॉलिटिशियन, फेमस इन द सेंस ये नेगेटिव चीज़ों से फेमस हुए हैं, इन फेमस इज़ द राइट वर्ड, ब्रजेश ठाकुर के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये जो एक बालिका गृह जो है तो उसमें लड़कियों का रेप किया, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया, तो ये सारे इल्ज़ाम हैं, और मर्डर्स और बीटिंग्स और ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 100 में से 10 ही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, सिवेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गंगा में इतने ही प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, तो जो एक्शन प्लान है वो उतना ज़्यादा रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर रहा है। तो आई वॉन्ट से कि गवर्नमेंट 100% इसके पीछे दोषी हैं, आई विल गिव 50% ब्लेम ऑन गवर्नमेंट एंड आई विल से 50% इज़ बिकॉज ऑफ अस, हम ही लोग हैं, इज़न्ट इट। हम अगर उन सारी फैक्ट्रीज से कपड़े ना ख़रीदें, उन सारी फैक्ट्रीज से चीज़ें ना ख़रीदें, जो फैक्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स गंगा को या फिर हमारी नदियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसमें विदाउट ट्रीटमेंट चीज़ों को उसमें डाल देते हैं, तो इन सारी फैक्ट्रीज से अगर हम प्रोडक्ट्स ना ख़रीदें तो फिर ये सारी फैक्ट्रीज भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं करेंगी। लेकिन किसको पड़ी है राइट, हु थिंक्स अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इट लुक्स गुड, थोड़ी देर डिस्कस कर लिया, इसके बारे में सोच लिया, एंड दैट्स इट, सब चलता है। इज समथिंग दैट इज़ आई थिंक बिगेस्ट डिजीज इन आवर सोसाइटी। Not keeping record of prenatal tests is criminal. Supreme Court ने ये बताया कि अगर prenatal, अगर कोई sex determination की test की गई है या फिर करनी पड़ती है, तो फिर इसका record जो है वो doctors को रखना चाहिए, अगर नहीं रखते हैं then that will be considered as a crime. मसूद अज़हर को जो एक declare किया है global terrorist, तो इससे फ्रांस ने ये बताया, ये एक बहुत ही important step है। और CIA के एक्स ऑफिशियल ने यह बताया है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ टेररिज्म को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। ये हैं आपके वोकैब्स डियर फ्रेंड्स, और
लेक्चर की पीडीएफ आपको इन चार सोर्सेज से मिल जाएगी. इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.